खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, नोएडा से खबर है। सेक्टर 24 के ईएसआई अस्पताल के बेसमेंट में अभी थोड़ी देर पहले आग लग गई। सूचना पाते ही मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां पहुंची हैं और आग को बुझाने का काम इस वक्त जारी है। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गनीमत यह रही कि इस आग में कोई घायल नहीं हुआ, यानी वक्त रहते मरीजों को वहां से निकाल लिया गया। ये देखिए, उस अस्पताल में जब आग लगी थी आसमान में उठता धुआं। तो दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो आज ये दूसरी घटना है। पटपड़गंज से खबर आई थी आग लगने की आज, और ये दूसरी घटना नोएडा की सेक्टर 24 में। ये अस्पताल ईएसआई, आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में मरीजों को किस तरीके से आनंद फानंद में बाहर निकालकर पार्क में ही लिटा दिया गया। रविंद्र जैन एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, अभी और क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है, क्या आग बुझ गई है? जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से जो आग यहाँ पर हॉस्पिटल ईएसआई अस्पताल में लगी, तो आग बढ़ते ही बढ़ते जो है जो बेसमेंट में लगी थी वो ऊपर तक पहुंचने लगी। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग पर जो है 3 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी आग पर जो है काबू नहीं पाया गया है। और एहतियातन के तौर पर जो आसपास की जो फायर की जो गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि इसमें कोई जानी नहीं हुई है। जी जी बिल्कुल, छोटे में बताइएगा, बेसमेंट में आग लगी थी, धुआं तो ऊपर तक फैला होगा, क्या कोई मरीज इसमें घायल भी हुआ है, जख्मी हुआ है, कुछ इस तरह की सूचना भी मिल रही है? नहीं नहीं, समय रहते हुए जो यहाँ पर जो डॉक्टर से नर्स से सभी को जो निकाल लिया गया। शुक्रिया इस जानकारी के लिए रविंद्र जैन आपका। तो वक्त रहते तमाम मरीजों को निकाल लिया गया, कोई इसमें घायल नहीं हुआ है।